أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर. आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पंचायत. क्या डिस्कस करेंगे? करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, फीचर्स ऑफ फंजाई. आज के डिस्कशन में क्या डिस्कस करेंगे? आज के डिस्कशन में पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पंचायत. पंजाई का जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो ये कि पंजाई इज अ सेल. पंजाई क्या है? एक खुलिया है. क्या है पंजाई? क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक खुलिया है. पंजाई क्या है? एक खुलिया है. दूसरा करेक्टरिस्टिक पंजाई का ये है कि इसकी जो डायमीटर है, मरसद क्या है? 3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी डायमीटर है. पंजाई है डायमीटर फ्रॉम 3 to 10 माइक्रोमीटर. तीसरा करैक्टरिस्टिक पंजाय का क्या है कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है. यानी दोनों न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए दोनों पंजाय में मौजूद होती है. क्या? पंजाय में ये दोनों मौजूद होती है. चौथा करैक्टरिस्टिक पंजाय का क्या है? पंजाय का जो चौथा करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं हमारे साथ क्या होता है? ईकैरियोट यानी टू सेल होते हैं. इसमें न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस मौजूद होता है. इसमें क्या? इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है यानी टू सेल्स होती है पंजाय. पांचवा करैक्टरिस्टिक पंजाय का क्या है? पंजाय का पांचवा करैक्टरिस्टिक ये है कि इसके में जो राइबोसोम मौजूद होता है उसकी साइज हमारे साथ कितना होता है? 80 स्क्वायर वर्ग यूनिट यानी 40 स्क्वायर वर्ग प्लस 60 यानी अमूमन जो नॉर्मल साइज होता है पंजे का हमारे साथ 80 स्क्वायर वर्ग यूनिट होता है. अक्सर इसमें 40 स्क्वायर वर्ग यूनिट भी आती है. बासपन जाय की जो साइज होती है राइबोसोम की 60 स्क्वायर वर्ग यूनिट भी आती है बासपन जाय की राइबोसोम की. माइटोकॉन्ड्रिया जो है पंजाय में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट मौजूद होता है. पंजाय का चटवा करैक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रेजेंट मौजूद होता है? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन पंजाय. माइटोकॉन्ड्रिया क्या पंजाय में मौजूद होता है. वो सातवा करैक्टरिस्टिक है पंजाय का क्या? वो ये है कि इसकी जो आउटर सरफेस है जो आउटर मोस्ट वॉल है वो बना हुआ होता है किस चीज से? यानी टाइटन से बना हुआ होता है. दूसरा सख्त होता है, मेड फ्रॉम. पंजाय का जो आउटर मोस्ट वॉल होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? काइटिन से, मेड फ्रॉम काइटिन. एंड इज रिजिड एंड ड्यू टू विच इसमें मोटिलिटी यानी मूवमेंट नहीं होता. आठवा करैक्टरिस्टिक पंजाय का क्या है? पंजाय का आठवा करैक्टरिस्टिक है कि इसमें मोटिलिटी मौजूद नहीं होती यानी ये मूवमेंट नहीं करता. क्या? ये मूवमेंट नहीं करता. नवा करैक्टरिस्टिक पंजाय का क्या है कि ये रिप्रोडक्शन करता है किस चीज के थ्रू? बडिंग के थ्रू. यानी इसकी कुछ हिस्सा जो इससे काट जब कट जाती है और दूसरी जगह वो जाके गिरते हैं तो वहां पे क्या एक नया पंजाय जो है वो ग्रो करता है. या इसमें रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू. सो ये था आज का लेक्चर. अगर आपको ये वीडियो ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें.